कृष्णा जी, आज की शाम बहुत ज्यादा मजा आने वाला है मेरे को। अच्छा क्यों? मुझे हमेशा मजा आता है जब मेरे मनपसंद लोग आते हैं। तो आज की शाम जो है वो बड़ी बेहतरीन होने वाली, क्योंकि एक से एक बढ़ के धुरंधर कलाकार आने वाले हैं यहाँ पे। तो जोरदार तालियों के साथ सबसे पहले मैं उनको बुलाना चाहूंगा जिनके आप सब मुरीद हैं, सब फैंस हैं। बड़े कमाल कमाल के गाने गाए उन्होंने, जैसे छोड़ आए हम वो गलियां, ओ हमदम सुनियो रे, सच कह रहा है दीवाना। सो ऐसे बहुत सारे सुपर हिट सॉन्ग गाने वाले द वेरी टैलेंटेड मिस्टर के, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे, जोरदार तालियां। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि केके सर का जो पूरा नाम है वो कृष्ण कुमार कुन्नत है। और आपने केके कर दिया। हाँ, सर घर वालों ने कभी कहा नहीं कि मुंबई में लोग नाम बड़ा करने जाते हैं? अब मशहूर तो इतने हो गए पर नाम आपने छोटा कर दिया, केके। यार कपिल, ऐसा है बात कि जब मैं दिल्ली में था ना तो मुझे सब लोग केके करके बुलाते थे। बड़ी न्यू मेज केके, तो मैंने यहाँ पर जो आया मैंने सोचा कि यहाँ पर अपना जो है कृष्णा कुमार कर लूँ। तो बिगनिंग में जब वो चक्कर लगे थे स्टूडियो के, तब लोग कहते कौन कृष्ण कुमार यार, कौन ये, वो दिल्ली से वो केके वही है ना। हाँ। तो मैंने कहा जो जानता है जिस नाम से वही रखो, फिर वही रखते ना यार, फिर काहे को कंफ्यूजन करें। दो के हैं आपके नाम पे, वाह क्या है बात, एक वाले नहीं मान तो आप तो दो हैं। तो केके सर के साथ हम और भी बातें करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे बैंड वाले ठंडे पड़ जाएं। हमारे अगले मेहमान को मंच पे बुलाना चाहता हूँ, आप सबकी जोरदार तालियों के साथ प्लीज वेलकम रोमांटिक गानों के सुल्तान शान। नमस्कार ब्रो, शान सर के लिए जोरदार तालियां। शान भाई जब आप सैड सॉन्ग गाते हैं तब भी ऐसे ही मुस्कुरा के गाते हैं। अरे मैं मर गया है, ऐसे सैड सॉन्ग्स मिलते नहीं है किसी वजह से। मैंने आज तक कभी शान सर से कभी भी ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई जब इनके चेहरे पे मैंने मुस्कान ना देखी हो। मैंने भी आप एयरपोर्ट पे जाते हैं टच वुड, तो कोई लड़की गलत नहीं समझी कभी, और बाद में आपने समझाया कि नहीं नहीं मैं हूं ही ऐसा, ऐसा नहीं है, ऐसा कभी गलत फहमी हुई किसी लड़की को? एक तो इनको पता नहीं चलता, ऐसा लगता है कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है। एक्चुअली स्माइल करने की एक एडवांटेज ये भी है ना, देखिए आप ही स्माइल करते हैं सर आपकी तरफ, कोई भाई सबकी तरफ जी जरा कर जरा स्माइल कीजिए ना, तब कमाल हमसे स्माइल करते ना आंखें हमारी छोटी हो जाती हैं। हाँ स्माइल करते करते कहाँ देख रहे हैं क्या सोच रहे हैं किसी को समझ नहीं आता, तो वो एक कवर अप भी है, एडवांटेज है। मैं तो इसीलिए मैं गाड़ी चलाता हूँ तो मैं कहता हूँ मेरे को कुछ चुटकुला ना सुनाए, हाँ हंस गया तो गाड़ी कट जाएगी। मैंने शान सर की एक चीज देखी अभी हाल ही, मैंने नोटिस की ये बात, लॉकडाउन जब से हुआ ना उसके बाद से सारे गाने ये खुद की कंपनी के लिए गा रहे हैं। कब आपको रियलाइज हुआ कि किसी दूसरे की दुकान पे मिठाई बेचने से अच्छा अपनी दुकान खोल लो, ये आपके मन में कब आया? जब दूसरों की दुकान मेरे लिए बंद हो गई तब। अच्छा केके सर और शान सर ने हमारी इस महफिल में दो चांद तो लगा ही दिए, एक बहुत बड़ा चांद, तीसरा हमारे सामने बैठा हुआ अर्चना जी। और अब चार चांद लगाने के लिए बुलाते हैं अपने म्यूजिक और सिंगिंग से लोगों के हर मूड का इलाज करने वाले, प्लीज वेलकम द वेरी टैलेंटेड डॉक्टर पलाश सेन फ्रॉम यूफोरिया ग्रुप। आइए सर ऊपर चलते हैं, तालियां बजती रहे। यस तालियां जोरदार होनी चाहिए डॉक्टर, क्या बात है, वाह वाह क्या गायकी, कपड़े उतरवा दिए, वाह ओह माहौल बना दिया पलाश साहब आपने आज, सीरियसली अब हमें लग रहा है हम क्या ऐसा पूछे आपसे कि वापस वैसा माहौल बने जो कभी बन नहीं सकता। जोरदार तालियां यूफोरिया के लिए। सर जी मैं आपको एक्स्ट्रा पेमेंट मिलती है उनके गाने के बाद भी 15 मिनट आप लगे रहे, क्या बात है, सुपर्ब जी, मैं आई मीन यू गाइस आर फैबुलस, क्या बात है। सो सोफा लगाया जाए, पलाश साहब ने जैसा परफॉर्मेंस दिया है आई थिंक अभी और मेरी शर्ट वापस ले जाए, शर्ट वापस दे दीजिए। अच्छा ये बड़े चला के फेंकते भी अपने बंदे की तरफ है ना ये, अब लीजिए डॉक्टर साहब, शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू। तो शान सर के सर प्लीज आप भी मंच पे आइए। अच्छा पलाश सर ने कितने मजेदार गाने गाए हैं, धूम पिचक धूम मायरी और भी बहुत सारे गाने गाए हैं, और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे सुपरहिट गाने तो गाए ही हैं, साथ ही साथ ये डॉक्टर भी हैं। सर आपने ये जो दो धंधे पकड़े हैं धंधे, एक डॉक्टर भी हैं आप और एक सिंगर भी हैं, आपको डॉक्टरी पे विश्वास नहीं था कि सिंगिंग पे विश्वास नहीं था?
मतलब बड़ा मुश्किल होता है एक काम करना. कितना आपने देखा परफॉर्म कैसे करते हैं पूरा फुल एनर्जी के साथ. तो सर कैसे मैनेज करते हैं? मतलब यार ऐसा है कि आई बिलोंग टू अ फैमिली जहां पर 17 जनरेशंस डॉक्टर हैं. सबके साथ डॉक्टर हैं. क्या बात है. मैं 17वीं जनरेशन हूं. सो उसमें भी जो लास्ट 3 जनरेशन वो एलोपैथिक, उसके पहले सारे आयुर्वेदिक. और बंगाली घर में इसको पता है, बंगाली घर में सब लोग गाते तो हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, गाते हैं, कविता लिखते हैं, कहानी बोलते हैं, सम क्रिएटिविटी. सो वो भी मतलब आई गॉट इट जैसे ही पैदा हुआ तो नर्स को देखते ही. तो दोनों चीजें एक साथ ही हो गई. मीन आई डिडंट चूज इट, आई थिंक लाइफ चोज मी. तो मैं डॉक्टर भी हूँ. मैं 2 तरह से लोगों का इलाज करता हूँ, मेडिसिन के साथ, म्यूजिक के साथ. सब खुश हो. क्या बात है यार, बहुत बड़ी बात है. 17th जनरेशन है. अमेजिंग. आपने कभी पता किया जो मुगल आए थे भारत में उनका इलाज जो करते थे वो भी आपकी फैमिली से ही होंगे शायद यार. अच्छा पलाश सेन, तानसेन, वो भी आपकी फैमिली से तो नहीं थे? ओह माय गॉड. यार अगर थे तो फिर मुझे क्यों नहीं टैलेंट मिला? मैं ये तो नहीं कुछ लेकिन कमाल का टैलेंट है. आपको पता है पलाश सर का जो क्लिनिक है और जो स्टूडियो है दोनों का नाम द क्लिनिक है. कभी ऐसा हुआ आपका पेशेंट को रिकॉर्डिंग स्टूडियो आ गया हो या सिंगर आपके क्लिनिक पहुंच गया हो, ऐसा कंफ्यूजन हुआ कभी? या देख 2 चीजें, जितने भी पहले क्या था कि जब मुझे कोई जानता नहीं था तब मुझे लोग दिखाने आते थे. अच्छा, अब देखने आते हैं कि क्या सीन है. हमारी एक रिसर्च टीम है के सर, बहुत बड़ी, एक आदमी की. तो उन्होंने हमें बताया कि पहले आप भी डॉक्टर बनना चाहते थे, तो क्या प्रॉब्लम? आपको नर्स को सिस्टर बोलने में दिक्कत थी या आपने स्टेथोस्कोप की जगह हेडफोन लगा ले तो उसी में मजा आने लग गया? तो फिर आपने कहा कि मुझे जब पता चला कि बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी, मैंने कहा रहने दो, बस की बात नहीं है. इसको सिस्टर बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी बीवी उसको शायद बचपन में मिल गई. स्टोरी बहुत. क्या बात कर रहे हो भाई, सही सही बताओ, कब की बात है ये, क्या कैसे हुआ? अच्छा ज्योति और मैं एक दूसरे को 6 स्टैंडर्ड से जानते हैं. ओह माय गॉड. वो भी आपको 6 स्टैंडर्ड से जानते हैं? हाँ. तब भी उन्होंने आपसे शादी कर ली? नहीं नहीं, तब हमने कनेक्शन हो गया था यार कपिल, इसलिए तो मैंने गाना जो यारों दोस्ती बनाया. दोस्ती शुरुआत होती है फिर मोहब्बत हो जाती. क्या बात है, क्या बात है. दोस्ती वाला गाना एक्चुअली ये एंथम बन गया दोस्तों के लिए. क्या बात है. आइए सर, बहुत बहुत स्वागत है. बैठे ना सर. हाँ बैठिए ना सर प्लीज, और कोई नहीं आने वाला. नहीं नहीं. अच्छा पलाश सर ने अपने बैंड का नाम बड़ा स्मार्ट रखना, स्मार्ट इंग्लिश नेम, यूफोरिया. नहीं तो लोग कई कई अपने नाम पे रख लेते हैं. हमारे वहाँ पे था पप्पू आई जेंट्री बैंड. जैसे हम कैलाश खेर साहब की बात करें, उन्होंने अपने नाम पे रख लिया कैलाशा. चाहते थे आप भी पलाशा रख सकते थे. पर आपने यूफोरिया रखा सर, और बाद में वो यूफोरिया क्रिएट भी हुआ. मतलब मुझे याद है जब आपका ये एल्बम आया पहला, मैं कॉलेज में था और इतना हिट हुआ गाना. सर ये कैसे डिसाइड किया आपने कि मैंने यूफोरिया रखना? यार डॉक्टर हूँ, मेरे बाकी ऑप्शंस थे डायरिया, पायरिया और गोनोरिया. मैं तो कहता हूँ शुक्र है हमारी लाइन में नहीं आ गए भाई साहब, ये तो जवाब ही बड़े मजेदार देते हैं. तो सोच यार, सपोज अभी हम लोग यहाँ पे, अभी तुमने इंट्रोड्यूस किया डॉक्टर पलाश सेन और उनका बैंड यूफोरिया. अब जस्ट इमेजिन कपिल सर ने आप हाथ दिल थाम के बैठिए, आपके सामने आ रहे हैं डायरिया. इसके सीरियस एक्सप्लेनेशन भी है, वो ये है कि साइकाइट्री में एक साइकोलॉजिकल सिचुएशन होती है कॉल्ड मेनिया. मेनिया बोलते हैं. मेनिया का जो फर्स्ट पार्ट, जब आप मेनिया के अंदर जा रहे होते हैं, उसका नाम होता है हाइपोमेनिया. हाइपोमेनिया में जो आप फीलिंग आपको आती है उसको बोलते हैं यूफोरिया. ओके. अच्छा. और यूफोरिया में जितने भी सबसे लोगों ने कमाल की चीज क्रिएट की है, लाइक शेक्सपियर ने जब अपना सबसे अच्छा प्ले लिखा, या लियोनार्डो दा विंची ने सबसे अच्छी अपनी पेंटिंग की, तू तो हमेशा यूफोरिया में. दे वर सपोज टू बी इन यूफोरिया बिकॉज उस समय आप अपने क्रिएटिव बेस्ट पे होते हो. तो मैंने सोचा हमारा बैंड हमेशा क्रिएटिव बेस्ट पे रहेगा. क्या बात है. अच्छा के सर ने जो अपना पहला गाना गाया था, गुलजार साहब का लिखा हुआ, छोड़ा है हम वो गलियां, माचिस फिल्म से. क्या बात, कमाल गाना था पहले तो. तो हम लोग सब बहुत दिनों बाद मिले. मैं सबको बताना चाहता हूँ कि आई ओ माई एंटायर करियर टू के. रियली? यस. एंड आई विल एक्सप्लेन व्हाई. क्या था कि वहाँ पे दिल्ली में जितने भी जिंगल होते थे के गाता था. अच्छा जी. और मैं डॉक्टर बन चुका था. और क्या होता ना कि जब तुम पढ़ाई करते हो ना, और वैसे भी मेरे घर वाले, उनको लगता था यार पढ़ाई कर रहे हो तो फिर और कुछ ये गाना वाना क्या होता है. तो इसने शहर छोड़ दिया, छोड़ा है वो गलियां, ये दिल्ली छोड़ के आ गया. एंड जैसे ही वहां से निकला, जितने भी वहां पे जिंगल कंपोजर्स थे उनको एक नया बंदा चाहिए था. मैंने नई नई अपनी क्लिनिक शुरू की थी, मेरा हार्डली कुछ इनकम था, यंग डॉक्टर. तो उन्होंने मुझे फोन करना शुरू किया कि हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जो कि के को रिप्लेस कर पाए इन दिल्ली के जिंगल सर्किट में. आई स्टार्टेड सिंगिंग, आई स्टार्टेड अर्निंग.
So I'll just say this. I owe my entire career bro. To this guy. क्या बात है यार? God bless you, man. Don't you give me too much credit. You give me too much credit for this. He's fantastic in his own right. और हर किसी को मतलब कहीं ना कहीं निकलना होता है. तो उसकी वहाँ पर कोई और आता ही है. So this is how the No, I just want to say this के जो मेरे साथ दोनों बैठे हुए हैं, मैं इनकी तारीफ दुनिया करती है. बट मैं जो इनकी सबसे बड़ी तारीफ ये करूंगा, मैंने इतने हम्बल लोग कभी मैं नहीं मिला हूं. जैसा मैं इनको 20 साल पहले जानता था, दिस स्टिल द सेम. मैंने एक बात और सुनी है, गुलजार साहब ने इनको कहा था के साहब को कि आप ये जो गाना गा रहे हैं इसके ठीक 25 साल बाद तुम देखना कपिल शर्मा शो में जाओगे. ऐसा बोल बैठिए बैठिए प्लीज. आज मेरे लिए नहीं, हम सबके फेवरेट सिंगर्स आए, इन सबके लिए जोरदार तालियां हो जाए. क्या बात है, पलाश जी आए हैं, शान जी आए हैं, लेके आए हैं. लेके नहीं, लेके आए हैं. नहीं नहीं, मैं बोली ये दोनों इनको लेके आए हैं. हाय सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक. हाउ आर यू सर? एकदम ठीक, एकदम. कितना सर है? इपड़ी रुकेंगे सर? क्या चार चार भाषाओं में क्यों पूछ रही है? अच्छा, वो 10 भाषाओं में गाना गा सकते हैं. मैं चार चार भाषाओं में हालचाल भी नहीं पूछ सकती यार, कमाल है ये. कैसे सपना देख, कितने बड़े बड़े सिंगर्स बैठे और तू कैसी बातें कर रही आती. अरे नहीं नहीं सर, कमाल का बैंड है यूफोरिया के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए. सर आप लोग को बता दूं, इधर हमारे भी छोटा सा एक बैंड है. ये कमाल की बैंड है यार, एकदम फर्स्ट क्लास. आपको पता है सर आपकी और इनके बैंड में क्या फर्क है? क्या? एक ही फर्क है सर. आप लोग जब बैंड बजाते हैं ना तो समा बांध देते हैं, और ये लोग जब बैंड बजाते हैं लोग इनको बांध देते हैं. बोलते इससे ज्यादा हम नहीं सुन सकते. लेकिन जो भी हम इन लोग के साथ मजाक करें बाबा, इनकी हिम्मत के लिए एक बार जोरदार तालियां. हिम्मत के लिए मतलब इनको पता है आज बजाएंगे तो पकड़े जाएंगे, फिर भी बजा रहे हैं लोग, कमाल है. और लेकिन एक बात तो कहना पड़ेगा, बिना रिहर्सल के बिना प्लानिंग के इन लोग जो पकड़ लेते हैं बजा देते हैं, बिना प्लानिंग के भी कमाल. इम्प्रॉम्प्टू. और ये गोपाल, मैं जानता हूँ गोपाल को, कई सालों से जानता हूँ, बहुत अच्छा गाता है, अच्छा कंपोजर है, ये बहुत कमाल का टैलेंट है. शान सर, आपसे तो मेरी कई बार मुलाकात हो चुकी है. मैं सर आप दोनों को अपना परिचय देना चाहती हूँ. मैं देता हूँ इसका परिचय. आपने गाना गाया ना शान भाई, कि लड़की क्यों ना जाने क्यों लड़कों सी नहीं होती, नहीं होती. तो ये वो लड़की जो लड़कों सी है. हाँ वो मैं माँ और बाप दोनों पे गई हूँ ना, इस वजह से ऐसा. हाँ खैर शान सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ सर. मेरे को आपसे पहली मुलाकात हुई थी, मैं हमेशा याद रखती हूँ. मैं शान सर से ना फ्लाइट में मिली थी अर्चना जी पहली बार, और ये अपनी वाइफ के साथ थे. अच्छा. फिर भी इन्होंने मेरे से बात की. क्या बात कर रहे थे? मेरे को बोलते उठ इधर से, मेरी सीट है, चल इधर से, चल निकल, ऐसा करके. ये एक रिस्पेक्ट ही रहती है. लेकिन आप बहुत हैंडसम है सर. थैंक यू. आपका हेयर स्टाइल भी बहुत अच्छा है सर. हाँ तो ये बताने क्या जरूरत है, हमें पता ही है. अरे स्टेज पे बार बार बोलते रहते मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ. उनको बताना जरूरी है आप ठीक है सर. सुनो बुर्ज खलीफा से बड़ी औरत तुम कभी काम की बात नहीं कर सकती? हाँ मेरे को काम की बात करनी थी सर. सर आप डॉक्टर है ना सर? आप हड्डी के स्पेशलिस्ट है ना? मेरे फूफा जी चड्डी के स्पेशलिस्ट. चड्डी के स्पेशलिस्ट क्या होता है मतलब? अरे वो टेलर है ना, वो बहुत सारी साउंड प्रूफ चड्डियां बनाते हैं. साउंड प्रूफ क्या होती है? अरे कितने भी मूली के पराठे खा लो. कमाल के भी राजमा खा लो, कितने भी छोले खा लो, बाहर किसी को पता नहीं चलेगा. कैसी तू बातें कर रही है. के सर पहली बार आया, क्या सोचेंगे वो? नहीं नहीं कुछ नहीं सोचूंगा. सच्ची में वो कुछ नहीं सोचते, वो तो तरक्की कर रहे बाबा. कहां से के सर ने शुरुआत की, कहां पहुंचे अर्चना जी. मैं सच्ची बताती हूँ, इन्होंने जमीन में गाना गाया. जमीन? अच्छा. इन्होंने रोड में गाना गाया. जमीन में भी हमारा. इन्होंने फुटपाथ में भी गाना गाया. उसके बाद सोचो न्यूयॉर्क में गाना गाया. कितना कहां से कहां. रिसर्च करके आई है पूरी. सच्चा है. आपने सर माचिस में भी गाया था ना? माचिस में गाया.
उससे अच्छा पेन ड्राइव में गाते, कम से कम सुनती तो नहीं। माचिस लैपटॉप में ऐसा उसका फिट नहीं होता, नहीं होता। हमारे तो आग लग गई थी लैपटॉप में। बस अपना तू करने गया इधर। एक्चुअली सर मैं आप लोगों का ऐसा बैंड है ना सर यूफोरिया, मैं चाहती थी कि मैं आप लोगों की मैनेजर बनूं। मैं मैनेज बहुत अच्छा कर सकती हूं। क्या मैनेज करेगी तू? अरे मैं बहुत, मैं पहले भी काम कर चुकी हूं कप्पू। क्या? दो लोगों की मैं मैनेजर बनी, सलीम जी की। ये तो एक ही हुए। अरे वो उनको मैनेज कर लो, सुलेमान अपने आप मैनेज हो जाते हैं। फिर सर मैंने सचिन जी करे ना, अब मैंने उनका भी काम देखा। चार लोगों का एक साथ काम देखती थी तू? नहीं नहीं, उनका मैंने सिर्फ काम देखा, अच्छा काम करते हुए काम किया नहीं उनके साथ, ऐसा बोल रही। लबना मैं तेरे से बात करना चाहता हूं। हां गेट आउट। हां हुआ तेरा? नहीं नहीं हुआ नहीं सर, मैं मसाज के बिना कैसे जा सकती है। ये अच्छा पॉइंट पॉइंट। हां सर हमारे पास मसाज है। अभी आप लोग सिंगर लोग हैं, आप लोग स्टेज के ऊपर खड़े रहकर ऐसा बहुत टाइम गाना भी ना गाते तो ऐसा पैर में पेन रहता रहेगा ना? नहीं हम गले से गाते हैं ना, पैर से थोड़ी। नहीं लेकिन हाँ लेकिन भाई मैं ये मत बोला, फिलहाल के ना अगर आप हाँ होता है ना, अभी जोक के लिए बोलना पड़ेगा सर। आप पैर दुख जाता है, आप 50 किलो का जूता पहनेंगे दर्द तो रहेंगे ना? 50 का नहीं है। अच्छा 10 का ही, मतलब सारे जोक आपको खराब करने। कोई बात नहीं, पैर में दुख दर्द होता है ना? होता है ना। तो देखा बात लड़की की तरह करती, हंसती मर्दों की तरह। मैं सिर्फ सैटरडे संडे लड़की हूँ सर। अच्छा मंडे टू फ्राइडे मिलो मेरे को। हाँ तो सर हमारे पास आपके लिए स्पेशल मसाज है, फुट मसाज। इसमें क्या होता है? इसमें कह रहे थे कस्टमर आते हैं, हम लोग उसको कपड़ा उतार के ऐसा उल्टा टंगाते तेरी। और फिर ऐसा उसका फुट मसाज करते हैं। तो ऐसा उल्टा भी टांग दे, झुक के भी तो कर सकती है। सपना सुन के फ्लावर समझा क्या? फ्लावर नहीं मैं फायर है, सपना झुकेगी नहीं। सर आप फ्रूट ब्रेड लेंगे? सर लिया आपने? ये कह रहे हैं कि ये पके नहीं है, पिछले 6 शो से यही फ्रूट था। हाँ तो कोई बात नहीं, मेरे घर गेस्ट आ रहे थे, मेरे को ले जाना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बाय। अरे बाप रे बाप। शान सर आप तो बहुत बार हमारे शो पे आ चुके हैं, आपको पता है हम लोग आजकल नया सेगमेंट शुरू किया है पोस्ट का, पोस्टमार्टम। तो यहाँ पे जो आप अपने फैंस के लिए फोटोग्राफ्स या वीडियोस डालते हैं उनके नीचे कमेंट्स बड़े मजेदार आते हैं, मैं आपके सामने पढ़ता हूँ जरा, कुछ दिखाइए जरा। ये शान सर ने कहीं डाला है पिक्चर अपने इंस्टा पे, आफ्टर हार्ड डेज वर्क झपकी पत्थर पे भी लग जाती है। अच्छा बाद में गहराई है, बंदा थका हुआ हो। हाँ ये वो रंगले का वीडियो शूट किया था ना वहाँ, अच्छा टर्की में, उसके बाद ये किया था। दिखाइए कमेंट्स। टर्की हार्ड डे काय का भाई, आप कौन सा रिक्शा चलाते हो? अरे यार मेहनत होती है हर काम में। हार्ड डे नहीं लगता है, हार्ड ड्रिंक मार लिया है तभी बंदा ऐसे सोता है। सस्ती तेल मालिश के लिए बंदा ऐसी जगह ढूंढता है, अभी पत्थर के पीछे से मालिश वाला उठेगा। अच्छा वहाँ सपना नहीं आ गई वहाँ फुट मसाज देने के लिए। और दिखाइए। It's crazy things यार। बल्ले बल्ले ते शावा शावा, सारियां दी हो गई वाह 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 वाह, यूफोरिया नाल भंगड़े पाओ भरा दे भरजाइयां, सारे लोहड़ी दी लख लख बधाई। वाह क्या आपने पोएट्री लिखी सर, वाह। दिखाइए नीचे। अब आपकी पोएट्री की क्या आश होती है देखिए। सर जी जो तबले बजा रहा है उसने भी लुंगी पहनी हुई है या उसके पास लुंगी नहीं है इसलिए तबले बजा रहा है? पीछे बैकग्राउंड में पलाश भाई ज्यादा देर खाट के डंडे पे मत बैठना वरना आपके दोनों डबल रोटी पे निशान पड़ जाएंगे। डबल रोटी पलाश भी लाइक
अच्छा तो गाया था, जाने क्यों नहीं दे रहे? भाई आपके साथ ऐसा हुआ कभी? पहले मैं सिंगर्स के साथ बहुत सारे शोज करता था, हमारे साथ ऐसा हुआ 2-2.5 घंटे जो मेन सिंगर थे मैंने उनके साथ गाया, खत्म होने वाला शो, और उसके बाद ना कोई लड़की का जीजा आ गया, आ कहता ऐसा माहौल जमाओ कि मजा आ जाए, कहता भाई हम तो जाने वाले हैं। हाँ। ऐसा होता है आपके साथ भी? रोक लेते हैं यार, ऐसा बहुत बार हुआ है। एक बार हम लोग पटियाला में बजा रहे थे, और अच्छा पंजाबी फुल ऑन क्राउड पंजाबी, और मैं समझ गया जब आपने पटियाला बोल दिया, मैं चलो तो फिर सो यू नो इट कि वहां पर हम लोग उस समय हम लोग सिर्फ इंग्लिश में गाना गाते थे, यू नो इंग्लिश हार्ड रॉक बैंड, तो मैंने वो भी 8 बजे के बाद इंग्लिश ही गाते। फिर तो हमने बहुत सारे हार्ड रॉक गाने के गाए, सामने वालों को कुछ पल्ले नहीं पड़ा कि हो रहा है, पल्ले नहीं पड़ा गया। इवेंचुअली मैंने गाना गाया आई वॉन्ट टू ब्रेक फ्री, वो किसी बंदे को समझ आ गई बात, अच्छा जो वहां का शायद कोई होगा, कोई होगा, तो मैंने खत्म करके बोला एंड देन, तब तो देखो मेरे साथ में खड़ा हुआ है, तो ऐसे खड़ा हुआ है और यहाँ पे उसने कट्टा लगा रखा है। ओह माय गॉड, कहता है सुन बे अब ये ही गाना चलेगा। दिस इज बिफोर हमने धूम पिचक के पहले मायरी के सब। मैंने कहा ठीक है, मैं कहा जा बैठो, नहीं नहीं तू गा। ओह माय गॉड, फिर से आई वांट टू ब्रेक फ्री, फिर से शुरू हो गया, वो फिर से गाना खत्म हुआ, फिर कहता है एंड यू रियली वांटेड टू ब्रेक फ्री, आयरनी सोचो यार, फिर आई वांट टू ब्रेक, वो चलता रहा, कहता है ए देख ले, Oh my God. ए थे ये, चल गा। उस दिन रात को यूफोरिया ने 13 बार आई वॉन्ट टू ब्रेक फ्री गाया था। और 13 बार के बाद आई डिडंट ब्रेक फ्री, ही ब्रोक फ्री, वो गिल गया अच्छी तरह से। बाकी ऐसे लाइव कॉन्सर्ट में ना बड़ा कुछ होता है। कपिल भाई मेरी एक लाइव कॉन्सर्ट की कहानी है जिससे अर्चना जी जुड़ी है। अच्छा हाँ, और चूंकि हम पंजाब के शोज की बातें हो रही है, तो अपना शो था लुधियाना में। अच्छा जी, बहुत ज्यादा फॉग था उस दिन, तो अर्चना जी तो अपने ग्रीन रूम से निकली नहीं, अच्छा। वहीं से अनाउंसमेंट कर ली, क्योंकि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है स्टेज पे कौन है क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझको इन लोगों ने क्या किया था कि बड़े तामझाम से क्रेन के ऊपर डाल के बोले थे वहां से एंट्री करनी है, और क्रेन के ऊपर जब मैं चढ़ा तो नीचे देख रहा हूँ कुछ भी समझ नहीं आ रहा, पूरा फॉग है, और अपना वो पहली बार करके उतरना था उसमें। अर्चना जी का अनाउंसमेंट हो गया, मैं तो यहीं से कर लूंगी, और आपके सामने आ रहे शान, अब वो क्रेन से कहाँ उतारेंगे वो समझ नहीं पा रहे क्योंकि स्टेज कहाँ है कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्रेन के ऊपर से मैं गा रहा हूँ लोग दिखाई नहीं दे रहा है, एक गाना दो तीन पूरा शो क्रेन पे ही खड़े खड़े हुआ। एक बार याद है अर्चना जी शानू दानंद के साथ सुनाया था, कहते यूपी में कोई शो था, तो बंदे ने पहले तो गाना सुन के ना आशिकी के गाने बड़े हिट हुए थे ना, तो उन्होंने 4 फायर कर दिए, और शानुदा का बोलता है रिपीट, शानुदा बोलता है नहीं और भी बहुत गाने मैं और भी सुनाता हूँ, शानुदा के सामने गोलियां भरने लग गया। शानुदा ने गाना शुरू कर दिया, उसने ऐसे ही 10-12 बार सुना वो गाना, शानुदा भी डरे हुए बंदूक हाथ में है, सडनली शानुदा ने देखा वो बंदा गायब हो गया, तो इन उनको थोड़ी सांस आई कि अच्छा हुआ, पीछे देखा तो वो ड्रम पे बैठा हुआ दारू पी के, कहता अब गा मैं बजाऊंगा। सोचो यार शानुदा बोलते वो मैंने पीछे देखा मेरे पीछे बैठा बोला मैं ड्रम बजाएगा तू गा। ओह दिखाइए और कमेंट्स दिखाइए जरा। ओके जस्ट बिफोर द डब दैट स्पेशल मोमेंट विद महेश भट्ट जी, लव द वाइब एंड द ग्रेट एनर्जी, सड़क 2 द जर्नी कंटिन्यूज। आइए पढ़ते हैं नीचे कमेंट्स। महेश भट्ट भी लाइक, बेटा अपने दिल पे हाथ रख के बताओ तुम्हारे इतने पैसे बनते हैं। लिखा महेश सर ऐसे कौन आरटीपीसीआर चेक करता है। के बी लाइक, सर मैंने कहा था मुझे गाने की खुजली है, आप तो मेरी छाती पे करने लगे। ध्यान से देखना पड़ेगा यार। और दिखाइए सेंस ऑफ ह्यूमर। ओके टेल मी व्हाट आई एम डूइंग, ए रीडिंग ए व्हाट्सएप मैसेज, बी मेमोराइजिंग माय लाइंस फॉर द वीडियो बाइट, सी चेकिंग हाउ आई लुक इन द कैमरा। सही जवाब देने के लिए 3 लकी विनर्स को मिलेगा एक स्पेशल गिफ्ट। क्या गिफ्ट दिया था सर आपने? बताऊंगा। दिखाइए कमेंट्स। आप बस टाइम पास कर रहे हो और दूसरे का टाइम खराब कर रहे हो। सेल्फी मिरर में देख रहे हैं शेव करने के कितनी देर बाद दाढ़ी आती है। This is an old picture, right? No, this is about October. और दिखाइए।
मिस्टर बीन आपके इंस्टाग्राम पे क्या कर रहा है? और दिखाइए. After some great gigs in the US, Purdue, Chicago, New Jersey, अच्छा वाह, सिडनी. कमेंट्स दिखाइए जरा. सिंगर का ऐसे ही है, फीमेल फैन से ही हाथ मिलाते हैं. सीधा ही इल्जाम लगा रहे हैं. देखो हाथ नहीं मिला रहे, अपना विजिटिंग कार्ड दे रहे हैं. अच्छा उसका कमेंट है. के भी लाइक, मैडम मैं बर्थडे और मुंडन में भी गाता हूँ. के अपना हाथ छुड़ाते हुए, मैडम मैं शादीशुदा हूँ. और दिखाइए. Just need to face it like a boss. Don't let life hold you down. Yeah, wow. I like that look, bro. दिखाइए जरा comments. Face it like a boss. Yeah. Sniper एक गाना बना. आपके check वाले suit पे तो बच्चे tic tac toe भी खेल सकते हैं. Tic tac toe. इनकी पहली फोटो देखी जिसमें स्माइल नहीं कर रहे. लगता है शो कैंसिल हो गया. भाई साहब आप हमेशा मुस्कुराए करो, बिना मुस्कुराहट के गुलशन ग्रोवर लग रहे हो. पहली बार सोचा जरा एटीट्यूड वाला फोटो दूं यार. गुलशन ग्रोवर. और दिखाइए. किसी की भी शादी हो, मैं कॉन्फिडेंस से जाएगा और खाना खा के आएगा. पुष्पा झुकेगा नहीं. शान भाई आप एकदम शाहरुख खान लग रहे हो, आपको एक्टिंग करनी चाहिए. रिप्लाई आया, भाई वो करके देख चुके हैं. पहली बार जो मैं आया था कपिल शर्मा के शो में, वो भी दुबई में, उसी महान फिल्म की प्रमोशन करने आया था. अच्छा? हाँ, मिक्का और मैं ऐसे एंट्री मार रहे हैं. मिक्का मुझे बोल रहा है भाई अब आगे आगे देख, हर जगह हम इस तरह से जाएंगे जैसे शाहरुख सलमान की फिल्म आ रही है तो जिस मूड में जाते ना तो अपने आप को वही समझ के चल. बोला ठीक है. बस वो एक ही के पास गए, उसके बाद फिल्म इतनी जल्दी आके चले गई कि कोई नहीं, तुमने सब ट्राई किया. हाँ ट्राई तो कर लिया. हाँ करके देखना चाहिए. और दिखाइए कमेंट्स. भाई हैं पॉली, वाज दैट यू गॉट पॉली, यू आर अ गुड. क्या हो रहा है भाई? हाँ तू प्यार है, तू स्टार है, बलेनो तेरी कार है, पर भाई का स्वैग कोविड पे भारी, आज वायरस भी बीमार है. रैप बाय पो सबकी ली. मेरा नाम पॉली है ना. अच्छा अच्छा पॉली. पॉली पॉली पॉ सबकी ली. दिखाइए कमेंट्स. भाई ये कमेंट ही भारी है भाई. और इससे भारी कमेंट क्या होने वाला है? जब सस्ती वाली पी लो. तो बंदा ऐसी ही हरकतें करता है. कहते ये जो आपने टैटू बनवाए हैं खुशी से बनाए हैं या आपको इनका रेंट आता है? और दिखाइए. टोपी टेढ़ी, दाढ़ी टेढ़ी, उंगलियां भी टेढ़ी, आपको कोई सीधा काम नहीं आता. ये किसी की नहीं सुनेगा, कानों पे ताले लगा रखे हैं. इतनी महंगी अंगूठी क्यों खरीदी जो बाकी कपड़े बेचने पड़े. नाइस. और Nice. Which is your favorite scene from Tanha Dil Tanha Safar? दिखाइए कमेंट्स. This is a Tanha Dil shot. हाँ, this is मेरे new. लगता है ठंड में किसी ने इनकी रजाई खींच ली है. जब कोई आधी रात को घंटी बजा के भाग जाए तो बंदा ऐसे ही देखता है. कौन था साला मुझे उठा कर चले गया. नहीं नहीं, इनको मच्छर काटा है, सोच रहे हैं मच्छर मारने वाली अगरबत्ती कहाँ है. और दिखाइए. नहीं नहीं, इनको मच्छर काटा है. हॉरर फिल्म देखने के बाद जब अकेले बाथरूम जाना हो तो मुझे भी ऐसे ही डर लगता है. ओह गॉड. जब वाइफ नींद से जगाकर पूछे तुम सो तो नहीं रहे थे, फिर आदमी ऐसे ही देखता है. ये बात से हम रिलेट कर पाते हैं. गुड वन. अकेले प्यार. और दिखाइए. सेंस ऑफ ह्यूमर पीपल आर क्रेजी ना. ये क्या बात है सर. अभी ना बातें बहुत हुई. हाँ. अब आपकी तीनों की दोस्ती इतनी है, हमें नहीं पता था आप इतने पुराने दोस्त हैं. अब आपका हम थोड़ा एक टेस्ट करेंगे. ओ. कि आप एक दूसरे को कितनी अच्छी तरह समझते हो. मैं आपको एक कार्ड दूंगा पलाश सर. आपने एक साउंड निकालनी है जो इस पे लिखी हुई है. आपने इनको दिखाना नहीं है कार्ड. ओके. आपने साउंड निकालनी, इन दोनों को गैस करना है कि वो क्या है. ओके. वो इंस्ट्रूमेंट क्या है. फर्स्ट वन.
अच्छा ये इंस्ट्रूमेंट है कोई साउंड है कुछ भी साउंड है माचिस जली तो उसका जो साउंड है ना वो बताना चाह रहे हैं वो अच्छा हवा निकली पंचर नहीं ओ बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन यार मजा आ रहा है भाई कुछ नहीं यार हार गए ये तीन बार सुनाया तीन बार में गैस नहीं किया तो हार गए नहीं बलून बलून से जब हवा निकलती है और फिर अचानक से अरे यार अरे शब्द है वन वर्ड किचन में जाओ यार ये प्रेशर कुकर की आवाज निकाल रहे थे वैसे या तो आपने नहीं समझा यार उन्होंने गलत निकाल ली था आप डिसाइड करो ऐसे होता है प्रेशर कुकर का आवाज अब यार कभी किचन में घुसा है क्या कभी कुछ किया ये तो मेरे को सत्ते पे सत्ता का म्यूजिक लग रहा है बाबू आ गया बाबू की एंट्री में था ये म्यूजिकल कर रहे हो ना ऐसे सोचो एक कुछ एक चीज चलती है जो चलता जा रहा है ट्रैक्टर ट्रैक्टर अभी निकाल के दे रहा हूं कैसे निकली नहीं यार मैं तो निकल जनरेटर जनरेटर यस हां एक तो गेस किया अभी एक और आवाज आएगी बुलेट बुलेट बच्चे को डरा रहे हो क्या क्या इट्स अ व्हीकल हाँ हाँ लग रहा है कोई बाइक बाइक नहीं बाइक बाइक पे नहीं नहीं वो कुछ वो मतलब कम पावर वाली गाड़ी जो फटते फटते चलती है ना कुछ ऐसे रास्ते पे आपने इससे पहले जो गेस किया था ना उनके पहले ये गेम का कोई मतलब नहीं था शो से हम देखना चाहते थे पढ़े लिखे लोग ऐसी हरकतें करते तो कैसे लगते हैं के सर ये आपका है आपने आवाज निकालने पड़ेंगे हाँ अब आप दोनों गैस करेंगे अच्छा। हम करते हैं देखो जरूर हाँ हाँ दरवाजा खुल रहा है क्या वाह वा? देखो गैस करने वाले से ज्यादा जो आदमी समझा रहा है उनको भी क्रेडिट जाता है से खुल रहा था लेकिन दरवाजा हाँ नेक्स्ट मोबाइल नहीं नहीं वो गाड़ी को चाबी मार लगे गाड़ी शुरू नहीं हो रही है अच्छा ऐसा नहीं है हेलीकॉप्टर फैन 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 की स्पीड बढ़ रही है फैन की स्पीड बढ़ कूलर नहीं कूलर अबे मिक्सर 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 करेक्ट 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 मिक्सर मिक्सी इन दोनों में से कोई किचन में घुसा ही नहीं तो क्या पता चलेगा आपने की बोला पंखा आपके घर का पंखा ऐसे चलता है ओके लास्ट आपका लास्ट तो स्पीड बढ़ रहा है ना पंखे का नहीं ऐसा पंखा तो नहीं चलता है करेक्ट है अरे पंचर हो गया पंचर हो गया वाह यार सारे कैसे हो गए वाह क्या बात ओके शान भाई अभी आप उसके उधर जाओ अपना कार्ड लेके जाओ आप खड़े होके करो इधर ओके सर इसके बाद मैं आवाजें निकालूंगा दो मेरे को पता है पहली बार में गैस कर लेंगे यस शान फर्स्ट वन रेसिंग कार ये तो करके ही बता दिया यार रेसिंग कार ओके नाइस स्पोर्ट्स कार वो रेसिंग कार की बात है दूसरी अच्छा एक्शन करूंगा तो समझ में आ जाएगा हां एक्शन मत करना हां बलून नहीं नहीं ओह शैंपेन अ कोल्ड ड्रिंक फिजिंग आउट फिजी ड्रिंक नहीं ये थोड़ा सा कुछ और हो गया भाई नॉट बलून ओके ओके इट्स अ फायर क्रैकर इज अ क्रैकर हाँ हाँ पूरा एक्शन मतलब अच्छा अच्छा प्लस प्लस ये तो यार आराम से हो जाएगा बियर का बोतल खोलने का साउंड है हाँ ठीक है डन डन मैं भी दो आवाजें निकालूंगा वेरी गुड यार
एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट या एयरक्राफ्ट लैंडिंग. देखो आदमी निकालने वाला आवाज सही होना चाहिए. अभी देखिए आप हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर देखा कितना टैलेंट है. आ जाया सर जी आपको तो लगा है नाचने के लिए खड़ा है. ये तो अपना वर्कआउट कर रहा था. हम वर्कआउट करने वाले लगते हैं क्या? अरे भाई गाइस भाईस भाईस गाइस अरे यार तलाश जी नहीं पलाश जी. ओ माय एलोपोजी क्या है पलाश जी? बहुत टाइम से आपका तलाश जी मतलब तलाश कर रहे हैं ना तो मुंह से ये सब तलाश जी निकल गया. माय एलोपोजी मेरी बात सुनो. जब तुम लोगों के लिए अलग प्लेनेट बना है तो इधर क्यों रह रहे हो पृथ्वी लोक पे? आपसे हम बाद में बात करेंगे, पहले मुद्दे की बात कर लेते हैं. हाँ मुद्दे पर ही आएगा, गधे पे तो आता नहीं है. पलाश सेन जी आप डॉक्टर भी हैं. करेक्ट. साथ में सिंगर भी हैं. करेक्ट. कभी ऐसा हुआ है कि आपके यहाँ पर पेशेंट आया हो और आपने थर्मामीटर हाथ में लेके उसके साथ ऐसे किया हो और वो बेचारा पेशेंट लेकिन डॉक्टर साहब एक और रिक्वेस्ट है आपसे. हाँ. यहाँ पे हंसी मजाक चलता रहता है, कूदते रहते हैं हम. कभी अगर बाई चांस हम थोड़ा गिर गए. हाँ. हमें चोट आ गई तो पट्टी आप कीजिएगा, शान जी आप नहीं. क्यों? शान पट्टी करते हुए अच्छा नहीं लगेगा. <लगा दिया। laughs> वैसे के जी. हाँ जी. ये भुजिया के लिए आप गाना गा दीजिए. भुजिया के लिए क्यों गाएंगे? अरे इन्होंने गरम मसाले के लिए गाया है. चॉकलेट के लिए गाया है, जलेबी के लिए गाया है, यहाँ तक के जहर के लिए भी गाया है. यस 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 यस. बच्चा तेरा हो गया, चल भाग यहाँ से. नहीं यार, अगर हमारे अंदर भागने का कैपेबिलिटी होता हम ऐसे होते. पॉइंट माय लॉर्ड. फिर आपको बता दें सर, आप लोगों से इंस्पायर होके हमने अपना एक बैंड खोला है. बैंड खोला? धोती देर से खुलती नहीं है, बैंड खोल के बैठ गए. धोती कटवाता है आपको पता है सोने से पहले, काट दो हमसे नहीं खुलेगी. क्या कौन सा बैंड खोला है? यादव की बारात हमारा बैंड. यादव की बारात बैंड का नाम रखे हैं. हमारी जो बारात है, हमारे दो हमारे मेंबर्स हैं साथ में, जरा बुला ले उनको. आ जाओ भाई. ओ ए WW है. आ जाओ. ये हमारा बबलू है, ये टबलू है. हेलो बोल दो. बबलू है, कमाल का ढोलक बजाता है. तुम तुरंत एक ढोलक. ए ससुर का नाती, तुम ढोलक बजाते हो यार, ये डमरू काहे लेकर आए? सर ढोलक बजाता हूँ तो पकड़ा जाता हूँ, इसमें कोई नहीं पकड़ पाता. अदा होशियारी मत करो सर, बैठे हैं यहाँ पर, थोड़ा म्यूजिक अच्छा सा बजा के सुनाओ. नहीं, डमरू में ही ढोलक बजा दो. बजाओ बजाओ सुनाओ इनको. आइए आइए भालू देखिए भालू. जब भी भालू बोलते हो इस ओर क्यों देखते हो? आई एम भालू. मजाक सूझ रहा है तुम्हें? हम भालू हैं, हम तुम्हें अपने बैंड से निकालते हैं. चलो निकलो निकलो निकलो. ए तुम कहाँ जा रहे हो? पर सर गिटार पे भालू कहाँ नाचता है? इंसल्ट. बहुत चर्बी चढ़ा है क्या? तुम भी निकलो. सर निकल तो जाएंगे पर सबको पता है चर्बी किसको चढ़ा है. यार ये हलो पोजी करना चाहिए इनको. टू मच यार, टू मच. हमारा बैंड शुरू होने से पहले ही बैंड हो गया. ऐसा तो हम जाएंगे नहीं. क्या है हमारे पास एक जॉक्स का पिटारा रहता है. जॉक्स हैं लेकिन माय नहीं. आप ताली बजा रहे हैं लेकिन माय एलोपोजी आज वो पिटारा हम नहीं लाए. एलोपोजी तो इसके लिए आज हम आपको एक मसाज सुनाएंगे. पर मसाज तो सपना करती है. ए सपना अच्छा नहीं करती है. आ? हम कमाल का मसाज सुनाएंगे आपको. आपको मजा बहुत मजा सुनाएंगे. क्या होता? क्या बोला तू? मेरे मसाज के बारे में कुछ बोला ना, तेरे जोक्स का पिटारा फाड़ के रख दूंगी मैं यहाँ पर. बड़ा आया मेरा काम हड़पने की कोशिश कर रहा है.
सर आपको पता है बहुत बड़ा हड़पू है ये. हाँ ये चार भाई पैदा होने वाले थे. सच्ची में इन भाइयों का शरीर हड़प के ये बाहर निकला है सर. हाँ मेरे मसाज के बारे में कुछ भी मत बोलना. सपना सपना, हम तो बस माहौल बना रहे थे. माहौल नहीं, तूने अपने शरीर का मोहल्ला बना दिया है. हमारे मुंह मत लगो आप. अरे तेरा खुद का मुंह ढंग से नहीं लगा, तेरे कौन मुंह लगेगा. वो देख अपने पीछे देख. क्या क्या पीछे कोई नहीं है. हाँ वही तो, तेरे पीछे कोई नहीं है, सब तेरे आगे निकल गए. जितना बड़ा तुम्हारा शरीर है कहीं जाके पहाड़ क्यों नहीं बन जाती हो तुम? हाँ, ताकि तू भैंसिया बन के वहां पर चरने के लिए आए ना. सर इसको ना हंसाने का बहुत शौक है. हाँ हंसा के दिखा चल. हंसा आज हंसाएंगे. हंसा हंसा आज. एक बार एक आदमी होता है. होता ही नहीं आदमी. हंसा आदमी है ही नहीं. है ही नहीं आदमी. एक बार एक औरत होती है. औरत भी नहीं होती है. जा अभी हंसा. औरत भी नहीं है. एक बार एक आदमी होता है जो औरत बन के आता है. ये तो होता है ना. होता है कि नहीं. होता है कि नहीं. होता है. होता है कि नहीं. ऐसे नहीं हंसाया जाता. मैं हंसाती है देख. आपको पता है एक दिन ये मोमोज खाने के लिए ना मोमोज की दुकान में गया, तो इसने बोला सर मोमोज मिलेगा. बोलते नहीं आपसे बड़ा नहीं मिलेगा. ऐसा हंसाते. कैसी औरत है. हमें बिलीव नहीं हो रहा. बात ही नहीं करने देती. तू बिलीव छोड़, आज तेरे को कुत्ती होगा. हाँ तू शान जी के सामने बहुत शान पट्टी कर रहा है ना. अभी मैं तेरी मरम पट्टी करेगी मेरे मसाज के बारे में. मेरा मसाज का काम रखेगा बच्चा. मसाज का काम रखेगा. देखो बच्चा. अच्छा हम शान भाई के रोमांटिक गानों का इंतजार करते रहते हैं. इस बार ये सूफी रॉक सॉन्ग रंगले लेकर आए. भाई इश्क विश्क में मजा नहीं आ रहा अभी. क्या क्या मांगता है आपको एक्चुअली. कहीं ना कहीं अब मैं सोचूं कि जब मैंने रंगले क्रिएट भी किया तो वहाँ उसमें मतलब प्रेस रिलीज में भी कहा था कि एक ऐसी बैंड हुआ करती थी यूफोरिया जो हिंद रॉक और सूफी रॉक इन्होंने बहुत कमाल का उन्होंने किया. एक दौर थी और उसके बाद ये जॉनर में गाने होने बंद हो गए. और मैं हमेशा आजकल चूंकि आपने कहा ना अपने दुकान हमने खोल चुके तो मैं कोशिश करता हूँ उसमें वैरायटी वैरायटी चीज़ें हों. Actually, कभी डांस के गाने हो गए, रोमांटिक गाने हो गए, सोशल कॉज पे गाने हो गए. तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना सूफी रॉक पर एक गाना बनाया जाए. सो कहीं ना कहीं दैट वाज इंस्पायर्ड बाय फ्रॉम व्हाट आई बीन एंजॉयिंग एंड लिसनिंग टू. इंस्पिरेशन इज राइट यार. दोनों मेरे भाई दोनों रॉक गाते हैं. तो मैंने सोचा कि सर जी एक रिक्वेस्ट है. आज बड़ा मजा आया आप लोगों से बातें करके. गाने भी गाए लेकिन आप तीनों साथ में मौजूद हैं. एक मजेदार मेडले हो जाए. आपका बैंड भी यहीं पे मौजूद है. एक बार जोरदार दोस्तों आप सबसे अनुरोध है कि बाजारों में भीड़ करने से बचें, मास्क लगा के रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें. स्वस्थ रहें, खुश रहें. गुड नाइट, शुभ रात्रि. थैंक यू. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.